हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज अखिलेश। डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की डेट है 30 नवंबर, और 30 नवंबर के लिए कौन कौन से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की सबसे पहली न्यूज ये है कि सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आयोजित किया गया है। अभी कहाँ पर? हाल ही में न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है, 29 नवंबर को। ठीक है, अब ये है क्या? देखिए, बेसिकली द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम BPRD बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज किया है इसको। ठीक है, ये हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का कॉन्फ्रेंस था। इसका थीम क्या था मेन? इसका थीम था कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेटर इन द एरा ऑफ न्यू एज क्राइम्स। ठीक है, आज के डेट में जो हमारे सोसाइटीज में या ये सब इन्वेस्टिगेट होते हैं, क्राइम्स वगैरह होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना और उसको अच्छे तरीके से एक लीगल एस्पेक्ट के और प्रोसीजर्स क्या होते हैं और किससे हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ये कॉन्फ्रेंस बेस्ड था। तो आपको याद रखना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस था। कहाँ पर आयोजित किया गया? ये न्यू दिल्ली में 29 नवंबर का आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। 8 स्टेट ने अभी हाल ही में क्या है, एक रिपोर्ट जारी की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी आरके सिंह ने ये कहा है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन प्राप्त हो गया है। मतलब 8 स्टेट ऐसे हैं जिन जो कि 100% सैचुरेशन की स्टेट में आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के अचीव करने में। ठीक है, अब ये किसके अंतर्गत हुआ है आपको याद होगा, ये सौभाग्य स्कीम, ठीक है, हर घर बिजली योजना जो है उसके अंतर्गत ये आया है। अच्छा, ये 8 स्टेट के बारे में जानना जरूरी है कि 8 स्टेट कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। ठीक है, सौभाग्य स्कीम का मेन उद्देश्य क्या था कि जो भी घर हैं जहाँ पे देश में जहाँ पे कि बिजली नहीं पहुँच रही है, ऐसे हर घर में इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत ये नया डेटा आया है कि 8 स्टेट ने जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लिया है। ठीक है, उनके नाम यहाँ नीचे गिवेन है, मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। भाषा संगम दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया गया है बाई HRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने ये भाषा संगम लॉन्च किया है। अब भाषा संगम क्या है, इस प्रोग्राम को समझिए। ये एक प्रोग्राम है जो स्कूल के बच्चों को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये प्रोवाइड किया जाएगा। क्यों प्रोवाइड किया जाएगा? क्योंकि बच्चों को मल्टीपल्स लैंग्वेज के बारे में पता चले। जैसा कि आपको पता हो कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, उसी को जागरूकता फैलाने के लिए ये चीज़ किया गया। ठीक है, इसका इनिशिएटिव क्या है? इसका इनिशिएटिव एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ये किया जा रहा है। ठीक है, तो मेन क्या है भाषा संगम का उद्देश्य, मेन भाषा संगम का इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है कि स्कूली बच्चों को और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ के लोगों को मल्टी लैंग्वेज आ जाए, यानी स्टूडेंट्स को मल्टी लैंग्वेज आ जाए। ठीक है, हर एक भाषा की समझ उनको हो जाए, इसके अंतर्गत ये भाषा संगम लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। सऊदी और इंडिया के बीच में एक बिजनेस की मीटिंग हुई है, कहाँ पर? रियाद में हुई है। ठीक है, जो हमारे मीटिंग जो है अटेंड किया गया है टॉप ऑफिसर्स के द्वारा और CEO ऑफ द कंपनीज ऑफ सऊदी अरेबिया के द्वारा ये अटेंड किया गया है। ठीक है, तो इंडियन डेलीगेशन में जो इसको जो हमारी तरफ से रिप्रेजेंट किए थे उनका मनोज कुमार भारती हैं, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था। तो ये आपको याद रखना है, सऊदी और इंडिया के बीच में बिजनेस मीटिंग अभी कहाँ पर हाल ही में हुई थी, आयोजित की गई थी दोस्तों रियाद में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। फर्स्ट एडवांस पर्सनल रोबोट फॉर किड्स लॉन्च। ठीक है, बच्चों के लिए एक एडवांस पर्सनल रोबोट लॉन्च कर दिया गया है। इसका नाम आपको याद रखना है मीको टू जो है ये एक रोबोट है, रोबोट फॉर किड्स है, लॉन्च किया गया हाल ही में। ठीक है, और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया? डेवलप किया गया है मुंबई बेस्ड स्टार्टअप नेम्ड एमोटिक्स के द्वारा जो है इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये बेसिकली हेल्प करेगा, ठीक है, पेरेंट्स का कि एजुकेशन डेवलपमेंट में, बच्चों के एजुकेशन डेवलपमेंट में ये रोबोट जो है हेल्प करेगा। ठीक है, इस पर्पस इसको बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। इंडिया और UK के बीच में दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ, एक एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है कॉन्कर्ड। क्या नाम है? कॉन्कर्ड। ठीक है, कॉन्कर्ड याद रखना है। एक्सरसाइज बहुत सारी होती हैं, मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज की एक वीडियो मैं फिर से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वो कॉन्कर्ड अभी हाल ही में इंडिया और UK के बीच में हुआ है। ठीक है, और इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये हुआ एक्सरसाइज। ठीक है, कब आयोजित किया गया था ये कॉन्कर्ड, ये जो कॉन्कर्ड एक्सरसाइज है दोस्तों, ये 28 नवंबर को गोवा में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? गोवा में। कब? 28 नवंबर को। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं UK की, तो UK के बारे में आपको समझना चाहिए कि UK जो है ये बेसिकली
चार ऐसे प्रोविंसेस हैं जिनका एक कम्बिनेशन है, जैसे इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, ये सब उनको मिला करके बनाया जाता है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोला जाता है, ठीक है। कोंकण के बारे में बता दें, कोंकण सबसे पहले 2004 में, ठीक है, स्टार्ट किया गया था। और गोवा जो है, गोवा की कैपिटल क्या है दोस्तों, गोवा की कैपिटल है पणजी। वहाँ के सीएम इस समय कौन है प्रेजेंट में, मनोहर पर्रिकर जी हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से तैयार रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, और एक्सरसाइज से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो इंडिया और यूको के बीच में कौन सा एक्सरसाइज हुआ है, कोंकण हुआ है, और दोनों की नेवी के बीच में हुआ है। नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। मुंबई ने भी हाल ही में क्या किया, ग्लोबल एविएशन समिट को होस्ट किया है, ठीक है। ये 2 दिन का नहीं, ये होस्ट करेगा जनवरी में, ठीक है, ये याद रखना आपका। 2 दिन का ग्लोबल एविएशन समिट होगा, जो कब, मुंबई में जनवरी में 2019 जनवरी में जो है ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये याद रखना आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, इन दोनों के द्वारा इसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसका कोलेब्रेशन किसके साथ है, फिक्की के द्वारा, ठीक है, फिक्की के साथ इसका कोलेब्रेशन है। फिक्की क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मुंबई क्या करेगा, ग्लोबल एविएशन समिट को होस्ट करेगा, कब होगा, ये जनवरी में होगा, ठीक है। इसका थीम आपको याद रखना है, थीम क्या है, फ्लाइंग फॉर ऑल, स्पेशली फ्लाइंग फॉर ऑल, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 6 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर अभी क्या करेगा, पोर्ट ब्लेयर और इंडोनेशिया, ठीक है, के बीच में एक बिजनेस फोरम आयोजित किया गया है। अब इसमें क्या है, देखिए, पोर्ट ब्लेयर की आपको पता होगा अंडमान निकोबार की कैपिटल है क्या, पोर्ट ब्लेयर, जो कि इंडिया में पड़ता है, और इंडोनेशिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बिजनेस फोरम आयोजित किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि पीपल टू पीपल लिंकेज, यानी लोग लोग टू लोग, लोगों से लोगों के बीच में जो आपसी समझ है, आप उसको बढ़ावा देना है। और साथ में जो जो एचे और नॉर्थ सुमात्रा प्रोविंसेस हैं इंडोनेशिया के, वहाँ के जो कमर्शियल जो बिजनेस वगैरह या कमर्शियल फैसिलिटी है उसको प्रमोट करना एक तरीके से। तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर से और इंडोनेशिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना, कमर्शियल पर्पज से और पीपल टू पीपल लिंकेज को बढ़ावा देना ही जो है इसका एक लक्ष्य था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, पोर्ट ब्लेयर क्या करेगा, पोर्ट ब्लेयर टू होस्ट IIBF, IIBF का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंडिया इंडोनेशियन बिजनेस फोरम, ठीक है। कहाँ पे आयोजित किया गया, पोर्ट ब्लेयर में, ठीक। अच्छा, अगर बात हम इंडोनेशिया कर रहे हैं तो एक चीज़ और आप समझ लीजिए यहाँ से, इंडोनेशिया के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, इंडोनेशिया कैपिटल क्या है, जकार्ता है। कैपिटल क्या है इंडोनेशिया की, जकार्ता है। इसमें वर्तमान में यहाँ के जो प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है, जोको विडोडो, क्या नाम है, जोको विडोडो। और यहाँ की करेंसी क्या है, रुपया, रुपया, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। ब्लू इकोनॉमी, देखिए दोस्तों, ब्लू इकोनॉमी काफ़ी फेमस है, इसको याद रखना है आपको। ब्लू इकोनॉमी अभी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया दोस्तों, केन्या में, ठीक है। केन्या में कहाँ पे, नैरोबी, नैरोबी क्या है, केन्या की कैपिटल है, ठीक है ना। ये पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था, और सस्टेनेबल, काफ़ी दिनों से इस पर बात भी चल रही थी, ये सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी है, ठीक है, जो जिसका आयोजन किया गया कहाँ पे, नैरोबी, केन्या में, ठीक है। कनाडा और जापान जो है इसके को होस्ट पार्टनर थे, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के। और कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पज़ क्या था, ये आपको समझना है। कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पज़ था, जो हमारे जो तटीय जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं जो उत्पन्न होते हैं, उनको सुरक्षा करना, उनकी सुरक्षित करना, और उनको रीजनरेशन में, ठीक है, और उनको इंश्योर करना, ठीक है, इन सब चीज़ों पे इसको आयोजन किया गया था, कि उसको प्रोटेक्ट करना और उसको रीजनरेट करना, इन सब चीज़ों पे ये बात चली थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये किस पे बेस्ड था, ये जो समुद्री इलाके में होने वाले जो संसाधन हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के इसका आयोजन किया गया था। और ये पहली बार आयोजित किया गया, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, इसलिए इंपॉर्टेंट है ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे, केन्या में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रोटोकॉल साइंड किया गया है किसके बीच, इंडिया और चाइना के बीच, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच प्रोटोकॉल साइन किया गया है दोस्तों, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड है, ये हाइजीन, ठीक है, हाइजीन प्रोटोकॉल है। अच्छा, इसके इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सपोर्ट, देखिए क्या है प्रोटोकॉल, बेसिकली क्या है कि इंडिया से चाइना में फिश का, फिश मील हो गया या फिश ऑयल हो गया, इन सब का जो कॉमर्स जो था वो नहीं हो पा रहा था, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया, अब ऐसा हो गया है कि अब इनके बीच में इस प्रोटोकॉल को साइन कर दिया गया है, तो अब यहाँ से, इंडिया से चाइना में जो है फिश मील और फिश ऑयल का एक्सपोर्ट आराम से किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। UGC ने अभी हाल ही में सेटअप किया है एक कंसोर्टियम फॉर जर्नल्स, देखिए इसका क्या मतलब है, UGC जिसका फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि केयर का फुल फॉर्म समझिए, कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, ठीक है, इसको सेटअप किया इसने। केयर क्या करेगा, केयर एक फेस लिस्ट प्रिपेयर करेगा, जो कि नॉन साइंस डिसिप्लिन है, जैसे कि सोशल साइंसेस है, ह्यूमैनिटीज़ है, लैंग्वेज है, आर्ट, कल्चर है, इंडियन नॉलेज है,
इन सब चीज़ों पे ये फोकस करेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, केयर किससे रिलेटेड है, यूजीसी ने अभी हाल ही में क्या किया है, एक जर्नल लॉन्च किया है या सेटअप किया है, ठीक है, उसका नाम है, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 किसको दिया गया। देखिए, इंडियन नेवी कमांडर विजय वर्मा और कैप्टन पी राजकुमार दोनों लोगों को संयुक्त रूप से एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है, आप समझिए, इन लोगों ने अभी हाल ही में क्या हुआ था, केरला में जो फ्लड आया था वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ काम किया था उस रेस्क्यू में, इसलिए इनको ये सम्मान दिया गया है, ठीक है ना। और ये अवार्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो है द स्ट्रेट टाइम्स के द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता है, और ये कहाँ पे है, ये सिंगापुर में, ठीक है। एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है आपको याद रखना है, एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, इन दोनों लोगों का नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन नेवी कमांडर विजय वर्मा एंड कैप्टन पी राजकुमार। और ये अवार्ड किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है बाई इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर द स्ट्रेट टाइम्स के द्वारा, स्ट्रेट टाइम्स के द्वारा, और ये कहाँ पे है, सिंगापुर में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, अरविंद सक्सेना को हाल ही में क्या किया गया है, यूपीएससी का चेयरमैन घोषित किया गया है, और ये कब तक बने रहेंगे, ये 7 अगस्त 2020 तक का इनका टेन्योर है, ठीक है। या तो 7 अगस्त 2020 तक ये बने रहेंगे, या तो 65 ईयर एज होने तक, तो दोनों में से जो पहले हो जाए, ठीक है, तब तक ये अपने इस जो अपॉइंटमेंट है इनका वो कंप्लीट होगा। अच्छा, अरविंद सक्सेना जो हैं इसके पहले एविएशन रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी रह सके हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये एज ए डायरेक्टर ऑफ द एविएशन रिसर्च और सेंटर भी वर्किंग किए हैं, ठीक है, और ये यूपीएससी के अब नए चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। नाम याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरविंद सक्सेना। अब बात अगर हम यूपीएससी कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यूपीएससी जो है 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन किया गया था, 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन किया गया था, और आर्टिकल हमारे संविधान में आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 353 to 323 इसमें जो है यूपीएससी का वर्णन किया गया है, और पार्ट की बात करें तो पार्ट 14 में यूपीएससी का वर्णन है, ठीक है ना। अच्छा, ये यूपीएससी के चेयरमैन को शपथ कौन ग्रहण करता है, या इस पद को कौन देता है, तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन को, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, और जहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज, ए एम नाइक अपॉइंटेड है चेयरमैन ऑफ एनएसडीसी। देखिए, ए एम नाइक को क्या किया गया है, चेयरमैन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया है अभी हाल ही में, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। जो ए एम नाइक है ये अभी ये जो है एलएनटी, जिसको लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंपनी जो है एलएनटी, इसके ग्रुप चेयरमैन भी रहे हैं ये, ठीक है। और एनएसडीसी का मूल उद्देश्य क्या होता है, इसका मूल उद्देश्य होता है कि स्किल डेवलपमेंट करना, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, ए एम नाइक के बारे में मैं आपको बता दूँ, इनको 2009 में पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है, ठीक है ना। और एनएसडीसी के बारे में आपको ये समझना है कि एनएसडीसी जो है ये 2008 में इसका जो है स्थापना किया गया था, एनएसडीसी का, जिसके इसमें वर्तमान में एमडी और सीईओ का हैं मनीष कुमार जी हैं, ठीक है। दोस्तों, वीडियो में मैं जितने भी फैक्ट्स बताता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उन चीज़ों को नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी से भी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। आजकल ट्रेंड बदल चुका है, अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो चीज़ न्यूज में रह रही है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ में जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने दोस्तों में, चैनल एजुकेशनल जो ग्रुप है, चैनल है, उसमें आप इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। डॉनबास ने भी क्या किया, गोल्डन पिकॉक जीता है, कहाँ पे, IFFI 2018, अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। देखिए, अब वहाँ पे ये कंप्लीट भी हो चुका है IFFI 2018। देखिए, हुआ क्या है कि डोनबास जो है एक लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज फिल्म है, ठीक है, तो इसको यूक्रेन की बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का इसको डोनबास को अवार्ड दिया गया है। अब ये अवार्ड जो है दोस्तों, ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण मयूर पुरस्कार, ये बड़ा ही प्रतिष्ठित अवार्ड है स्वर्ण मयूर पुरस्कार। ये 49th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी जो गोवा में आयोजित किया गया है इफी, ठीक है, उसमें इसको डॉनबॉस को ये गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़, इस पुरस्कार के तहत होता क्या है, तो जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड है इसमें 4 मिलियन रुपये दिए जाते हैं और एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है, इतने बात आपको याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। सिंगल इमरजेंसी नंबर 112 लॉन्च कर दिया गया है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि कई सारे इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, जैसे कि 100 नंबर,
जो है कि, और उसके बाद फायर के लिए 101 नंबर, हेल्थ के लिए 108 नंबर, वुमेन केयर के लिए 1090, तो इस तरीके से बहुत सारे इमरजेंसी नंबर हुआ करते थे। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि हिमाचल प्रदेश ने एक सिंगल इमरजेंसी नंबर 112 लॉन्च कर दिया गया है। अब इससे क्या होगा, इसे किसी भी प्रकार के इमरजेंसी केस में आप 112 नंबर पर डायल करके आप अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हुआ है, ठीक। और किसने लॉन्च किया इसको, सबसे पहले स्टेट कौन से, हिमाचल प्रदेश से 112 नंबर लॉन्च कर दिया। अब हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बारे में समझिए, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों, शिमला है। इसमें वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है, वर्तमान में सीएम है जयराम ठाकुर, और यहाँ के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है तो दोस्तों। और ये हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। कैंपेन अभी हाल ही में शुरू किया गया है, कहाँ पे ये कैंपेन है दोस्तों, बेसिकली क्या है कि हेपेटाइटिस डिजीज़ जो होती है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, उसके लिए अवेयर करने के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो इसका आप लोग को याद रखना है, स्प्रेड पैन इंडिया अवेयरनेस अबाउट हेपेटाइटिस डिजीज़। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायोलॉजी साइंसेस ने इसको कैंपेन को लॉन्च किया है। तो आपको यह ध्यान रखना है, एम्पावरिंग पीपल अगेंस्ट हेपेटाइटिस द एम्पैथी कैंपेन, ठीक है, इसका नाम है। और ये कहाँ से, द एम्पैथी कैंपेन लॉन्च किया गया है, मेट्रो भवन, ठीक है, न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये बेसिकली क्या है, इसका बेसिक पर्पज़ क्या है एम्पैथी कैंपेन का, टू जनरेट द अवेयरनेस अबाउट द हेपेटाइटिस बी एंड सी, ठीक है। रणबीर सिंह को अभी हाल ही में क्या किया है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ दिल्ली नियुक्त किया गया है दोस्तों। ये जो रणबीर सिंह हैं, ये एज ए कमिश्नर ऑफ ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपॉइंट किए गए हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ ऑफ दिल्ली, ठीक है। और ये किसके जगह लेंगे, ये लेंगे विजय कुमार देव की जगह, ठीक है, जिनको चीफ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट अपॉइंट कर दिया गया है। अच्छा, यासिर शाह ने अभी हाल ही में क्या किया है, 10 विकेट लिया है, और एक टेस्ट में, मतलब टेस्ट के एक पाली में 10 विकेट लेने वाले ये बॉलर बन गए हैं। ऐसा करने वाले ये विश्व के तीसरे बॉलर हैं। इंडिया की तरफ से अनिल कुंबले और जिम लेकर जो हैं वो भी ले चुके हैं। तो जिम लेकर का, इन्होंने जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिम लेकर, उनका रिकॉर्ड तोड़ा था अनिल कुंबले ने। और उसके बाद जो है अब यासिर शाह, इन्होंने 19 साल 9 मंथ और 19 डेज, ठीक है, लिया है कुंबले का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। हम आपको बता दें कि अनिल कुंबले ने बहुत ही ऐतिहासिक मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 7 फरवरी 1999 को, ठीक है, 10.5 विकेट उस पाली के लेकर के इन्होंने एक इतिहास रचा था, ठीक है। और उन्होंने जिम लेकर के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। उसके बाद अब जो यासिर शाह हैं, ये ऐसे थर्ड प्लेयर हो गए हैं विश्व के जिन्होंने एक पाली में टोटल 10 विकेट लिए हैं। और अनिल कुंबले का रिकॉर्ड लगभग 20 सालों तक रहा, यानी 20 साल के बाद ये रिकॉर्ड जाकर के अब टूटा है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज की इंपॉर्टेंट सारी न्यूज ये थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रही है, और जितना मैक्सिमम हो सकता है हम लोग आप लोग को वीडियो बना कर देंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड और जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। जिस वीडियो का भी आपको PDF चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के लिंक पर आप क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।